फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 7 फूड्स टू डिटॉक्स योर बॉडी। दोस्तों, ऐसे 7 फूड्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिटॉक्स का मतलब है आपकी बॉडी की एक तरीके से क्लिनसिंग करेंगे और आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी को हल्का बना, लाइट, आप बहुत ज्यादा लाइट फील करेंगे और ये वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी कर सकती है। दोस्तों, पहला फूड मैं बताता हूँ, जो कि पहला फूड जो है वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट का मतलब जो है आपका लेमन, नींबू जिसे हम कहते हैं। देखो, लेमन जो है विटामिन सी है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपको बचाता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और आपको फ्री रेडिकल से आपकी हेल्प करता है, पिंपल्स के अंदर, रेडिकल्स में, स्किन डैमेज और एजिंग में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सिंपल एक तरीके से ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट है लेमन, जो आपकी डिटॉक्स, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, लेमन को आप दिन में 1 से 2 बार या आप 1 से 3 लेमन आप दिन में पर डे आप 2 से 3 बार ले सकते हैं, 1, 2, 3 करके, 3-3 लेमन करके ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फ्रूट है वो आपका है स्वीट लेमन। स्वीट लेमन मतलब आपका हो गया मौसमी। मौसमी बहुत अच्छा फ्रूट है डिटॉक्स करने के लिए। और इसके अलावा तीसरा फ्रूट जो है वो है आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक बहुत अच्छा फ्रूट है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि पाइनएप्पल में जो है एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डाइजेशन और हेल्थ में, एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करता है और आपके डिटॉक्स करने में भी आपकी हेल्प करता है। और जो चौथा फूड है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, चौथा फूड जो है आपका ग्रीन कॉफी है। ग्रीन कॉफी जो है ये आपने क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो आपकी बॉडी में आपको फैट सेल्स में, फैट सेल्स को बनने से आपकी रोती है, क्योंकि जो ये क्लोरोजेनिक एसिड है जो आपकी बॉडी में फैट सेल्स को नहीं बनने देता है। और जो पांचवा जो फूड है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत अच्छा एक तरीके से केमिकल है। ग्रीन टी में जो मेन केमिकल होता है वो होता है ईसीजी। ईसीजी एक ऐसा केमिकल है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ईसीजी क्या है। ईसीजी ही ग्रीन टी में एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में फैट सेल्स को कम करता है और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, आपको फैट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। और जो सिक्स में आपको बताता हूँ, छठवा जो है वो आपका हो सकता है फ्रूट। फ्रूट्स में से आप कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैं आपको बताया पपाया भी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सीफाई करने के लिए फ्रूट है। पपाया में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये बॉडी को बहुत डिस्टॉर्स करता है, अब्जॉर्प्शन और लीवर को और स्टिमुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, फूड्स को डाइजेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो पपाया एक बहुत अच्छा है। और लास्ट और फाइनल जो है फूड है वो सेवेंथ में आपको बताता हूँ, वाटर। वाटर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। वाटर आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और आपकी बॉडी को क्लींस डिटॉक्स करने में वाटर ही सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है। तो वाटर को नहीं भूले अपनी बॉडी में डालने से पहले। तो अपना प्योर वाटर आप रखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए वाटर को। वाटर बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई का एक तरीके का आपका न्यूट्रिएंट है। तो थैंक यू दोस्तों, दिस विकास। और दूसरी चीज, वाटर में 0 कैलोरीज होती है, वाटर में कोई कैलोरीज नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, विकास। हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।